Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, आज हमारा लेक्चर बेस करता है लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की FA इंटरमीडिएट कंपलसरी इंग्लिश 2, जिसका कोड है 387. इसका हम यूनिट 1 कर रहे हैं. यूनिट 1 में हम कर रहे हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर. बिसाइड दीज एक्सप्रेशंस देयर आर अदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक. लेट्स अस सी सम अदर्स. कहते हैं जो ऊपर लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं अपने लाइक्स और डिसलाइक्स. उसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं. यहाँ जी लाइक्स दिए गए हैं. लेट मी सिलेक्ट द हाइलाइटर. लाइक्स, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू. किसी का भी हो सकता है, या बिग फैन ऑफ, जैसे ऊपर अफरीदी का जिक्र हो रहा था. अफरीदी, मैं उनका एक बड़ा फैन हूँ. आई एम एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट. मैं म्यूजिक कह सकते हैं, फिल्म्स कह सकते हैं, रीडिंग कह सकते हैं. मैं किसी भी काम को बहुत ज्यादा करना पसंद करता हूँ. आई एम रियली इन टू इट. मैं इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ या बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ. इन अ बिग वे, यानी कि बहुत ज्यादा पसंद करना, उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज होता है. आई एम पर्टिकुलरली फाउंड ऑफ. मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में शौकीन हूँ. दीज, देयर इज नथिंग आई लाइक मोर देन. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है इसके अलावा जो मुझे पसंद हो. ठीक है जी. नेक्स्ट में हम देखते हैं जो डिसलाइक्स. अगर डिसलाइक्स तो करना हो एक्सप्रेस तो कैसे कर सकते हैं. आई कांट पुट अप विद, मैं इसके साथ नहीं जा सकता. आई डोंट फैंसी, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे ख्याल नहीं रखता हूँ. आई स्पेशली डिसलाइक, मैं खास तौर पे इसे पसंद नहीं करता हूँ. आई कांट बेयर, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता. टॉलरेट भी बर्दाश्त में आता है और स्टैंड भी बर्दाश्त में आता है. ठीक है. या उसके साथ खड़ा ना होना. आई एम सिक ऑफ, मैं इससे तंग हूं. तो उसके लिए, डिसलाइक्स के लिए ये फ्रेजेज आप यूज कर सकते हैं. सो हियर इज रिकॉर्डेड टेक्स्ट 2. लेट्स सी इट. A3, अलीम, वनी, फरीदा एंड साइमा आर इन अ रेस्टोरेंट फॉर अ लंच. ये चारों फ्रेंड्स कहाँ, एक रेस्टोरेंट में है खाना खाने के लिए. द वेटर इज आस्किंग देम अबाउट देयर चॉइस इन फूड. वेटर उनसे पूछ रहा है कि वो खाने में क्या लेना पसंद करेंगे. सी हाउ ईच वन ऑफ देम टेल्स हिम अबाउट देयर लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स इन द सेक्शन ऑफ फूड. तो उनमें से हर कोई जो है अपनी पसंद और नापसंद को किस तरह बता रहा है खाने के बारे में. ठीक है जी. वेटर टू अलीम, वेटर अलीम से कहता है, What would you like to have, sir? Sir, आप क्या लेना पसंद करेंगे? Aleem. Aleem कहते हैं, I would like to have a plate of special biryani. मैं एक प्लेट स्पेशल बिरयानी की लेना पसंद करूंगी. वेटर टू गनी, वेटर गनी से पूछता है, एंड यू सर, और सर आप क्या लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव बिरयानी टू, क्या आप भी बिरयानी ही लेना पसंद करेंगे? गनी कहते हैं, नो आई डोंट फैंसी ईटिंग, मैं बिरयानी मच, मैं बहुत ज्यादा फैंसी जो ईटिंग होती है या स्पाइसी चीजें होती हैं जस्ट लाइक बिरयानी, मैं नहीं लेता हूँ. प्लीज ब्लेंग मी प्लेन राइस, मेरे लिए सादे चावल ले आए. वेटर फॉर फरीदा, What would you like, madam? Madam, आप क्या लेना पसंद करेंगी? Frida, well, can I have chicken korma, please? क्या मैं chicken korma ले सकती हूँ? I don't quite like rice. मैं चावल बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ. Waiter to Saima, waiter Saima से कहता है, and you, madam? और आप madam क्या लेंगे? Saima, I am quite fond of Haleem. मुझे हलीम बहुत ज्यादा पसंद है, but please don't add spice. उसमें मजीद मसाले मत ऐड कीजिएगा, spices, because I am quite sick of them. Because मैं मसाले से बहुत ज्यादा तंग हूँ, मुझे लेना पसंद नहीं है. So आपने देखा किस तरह सब लोगों ने अपने likes और dislikes को express किया है. Now, A4. Now write a dialogue between two friends. अब वो कह रहे हैं आपने डायलॉग लिखना है टू फ्रेंड्स का. उसमें आपने क्या देखना है, हु आर चैटिंग ऑन द इंटरेस्ट एंड टेलिंग ईच अदर अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. जो कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में. यू मे यूज सम ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स यूज इन द डायलॉग अबव. कह रहे हैं
आप इसमें से कुछ डायलॉग्स के एक्सप्रेशन ऊपर वाले डायलॉग में से ले सकते हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है जी। रिकॉर्डेड टेक्स्ट 3, ये आपने एक्सरसाइज खुद से करनी है, राइट। अब कह रहे हैं दो चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स मे डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। वो कह रहे हैं पसंद और नापसंद की जो आपकी चॉइस है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। द एक्सप्रेशन वो यूज इन फॉर्मल सिचुएशन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज इन इनफॉर्मल सिचुएशन। तो वो लाइक्स और डिसलाइक्स के एक्सप्रेशन जो फॉर्मल में यूज कर सकते हैं डेफिनेटली वो डिफरेंट हो सकते हैं इनफॉर्मल सिचुएशन से। द डिफरेंस बिटवीन द टू मे बी इलस्ट्रेटेड थ्रू डायलॉग ए एंड बी। वो कह रहे हैं कि ए और बी में आपको ये फर्क वाजे तौर पर नजर आ जाएगा। डायलॉग ए, आयशा विल यू गो फॉर पिज्जा और रशियन सैलड। आयशा पूछती है क्या आप पिज्जा लेंगे या आप रशियन सैलड। आई थिंक नथिंग एल्स, मैं इनमें से कुछ नहीं लूंगा। देन मटन कराई सीम्स टू इंटरेस्ट मी एट द मोमेंट। कहते हैं इनमें से मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे मटन कढ़ाई जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। जमीला आई थिंक आई शैल स्टील फॉर रशियन सेटल फॉर रशियन सैलड। जमीला कहती है मेरा ख्याल है कि मैं रशियन सैलड के साथ जाऊंगी और वो मैं लूंगी बिकॉज पिज्जा वुड बी टू हैवी फॉर मी। पिज्जा मेरे लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। ओह आई कांट स्टैंड पिज्जा। तो वो कहता है मैं सॉरी, या वो ये कहेगी मैं पिज्जा नहीं खा सकती। वाई शुडेंट वी हैव रशियन सैलड इंस्टेड। क्यों ना हम इसके बजाय रशियन सैलड ले लें, ठीक है जी। यहाँ दो बहुत ही प्यारी सी उन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं और डायलॉग भी देखें, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन की डायलॉग भी देखते हैं हम। वो कहते हैं टर्क द कबाब आर वेरी डिलीशियस सर, प्लीज हैव सम। वो कहता है कि सीख कबाब जो है वो सॉरी कबाब जो है वो बहुत ज्यादा मजे के हैं, प्लीज आप लें। बॉस कहता है ओ श्योर आई हैव ऑलवेज लव कबाब, मुझे हमेशा कबाब लेने पसंद है। या वो कहेगा आई एम अफ्रेड आई डोंट लाइक मीट, मैं खौफ ज्यादा हूँ मैं गोश्त नहीं लेता हूँ। सो आप ये देखिए ये एक्चुअली है बॉस और क्लर्क का, ये आपका फॉर्मल है और ये जो ऊपर दो ईशा और जमीला है ये क्या इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें वो एक्सप्रेस कर रहे हैं लाइक्स और डिसलाइक्स को। अब देखिए वो कह रहे हैं यू मस्ट हैव नोटिस दैट द टोन ऑफ टू फ्रेंड्स इन डायलॉग ए इज वेरी इनफॉर्मल, ठीक है जी। ऊपर वाला हमारा क्या है इनफॉर्मल है, आर कैजुअल, दे आर क्लोज फ्रेंड एंड आर इन अ इनफॉर्मल सिचुएशन। वो दोनों बहुत ज्यादा करीबी दोस्त हैं और इनफॉर्मल सिचुएशन में है। Sorry. Next, can I? That is why they choose to us the following expression. इसलिए उन्होंने ये वाले expression use किए। I go for seems to interest me, and I shall settle for. I can't stand. Why shouldn't? ठीक है जी, ये वाले उन्होंने use किए हैं। In dialogue B. The tone of boss is very formal. Boss ki tone bahut formal hai, polite hai with the clerk. Notice the expressions. I have always loved. ठीक है जी, इससे वो show कर रहा है. I am afraid. I don't like. So ये दोनों ही क्या है? Formal way में express किया गया है. Likes को और dislikes को. Right जी, now move to the next. A five, a dialogue has been given below. एक डायलॉग नीचे दिया गया है। माजिद is asking Salim about his likes and dislikes. माजिद सलीम से उसके likes और dislikes के बारे में बात करता है। The expressions, spoken sentences of the dialogue have been mixed up. वो कह रहे हैं spoken sentences में dialogue के जो expressions of dialogue हैं वो जरा mix हुए में। Read through the expressions and put them in appropriate order. वो कह रहे हैं कि आपने इन्हें ध्यान से पढ़ना है और इनको दुरुस्त तरतीब के साथ दुरुस्त ऑर्डर में लिखना है so that they make sense, ताकि उनके कोई sense create हो सके. Also suggest whether it is Majid or Salim, और ये भी suggest करें कि ये Majid का है या Salim का, who used this expression, किसने ये expression use किया है. The first one has been done for you, पहले वाला जो है वो कह रहा आपके लिए कर दिया गया है. There is a very good
डिटेक्टिव मूवी ऑन नियर हियर. वो कह रहा है कि यहाँ जो करीब में डिटेक्टिव जो अच्छी मूवी है वो गुड डिटेक्टिव मूवी ही है जो यहाँ इर्द गिर्द है और वो अच्छी है. ठीक है, ये माजिद कह रहा है. वेल आई एम वेरी फाउंड ऑफ पेंटिंग, सो इफ आई हैव एनी स्पेयर टाइम आई सिट इन माई गार्डन एंड पेंट. ठीक है जी, वो क्या कह रहा है कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, तो मेरे पास फ्री टाइम हो तो मैं अपने गार्डन में बैठता हूँ और पेंट करता हूँ. बट सर आई एम नॉट ओवर enthusiastic about making speeches, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा speeches करने का शौक नहीं है. And what do you do in your free time? आप अपने free time में क्या करते हैं? If you have, अगर आपके पास हो तो. Awful, I can't stand detectives. वो कहते हैं मैं detectives के साथ नहीं जा सकता. We expect you to make the welcome speech at the marketing seminar. कहते हैं मार्केटिंग सेमिनार के लिए हम चाहते हैं कि आपको वेलकम स्पीच करें. अच्छा जी, तो माजिद है यहाँ पर. माजिद क्या कह रहा है कि यहाँ पे अच्छी डिटेक्टिव मूवी है, तो जो सलीम है वो इसका रिप्लाई ये कर रहे हैं, ऑफुल आई कांट स्टैंड डिटेक्टिव्स. ठीक है, सो इसके बाद पहले के बाद आपने ये वाला लिखना है, ये सलीम का है डायलॉग. ठीक है जी, इस पे हम कोई ना कोई वो लगा लेते हैं. ठीक है जी, ये वन है, वन को हम लगा देंगे, वन के साथ ये मैच है इसका, सॉरी वन के साथ ये मैच है, और ये किसका है, ये सलीम का है. ठीक है जी, नेक्स्ट वो कह रहा है कि वो पेंटिंग की बात कर रहा है और गार्डन में, तो जबकि ये हमें यहाँ क्या कह रहे हैं, अच्छा जी, अब ये बात कर रहा है कि वो कहता है जी मैं जो तो हूँ बैठ के पेंटिंग करता हूँ, और ये कह रहा है एंड व्हाट डू यू डू, इसके बाद ही आगे वो पूछ रहा है इन योर फ्री टाइम इफ यू हैव. ठीक हो गया, तो इसके बाद आप इसको, ये जो नंबर टू है ये मैच करेगा इसके साथ, इसके साथ मैं टू लगा रही हूँ. ठीक है, सो ये जो रिस्पॉन्स हो सकता है, ये हो सकता है सलीम का और ये हो सकता है माजिद का. ठीक है जी, अब जी नेक्स्ट में वो जो कह रहे हैं बट सर आई एम नॉट वेरी enthusiastic, ये हो सकता है जी माजिद का, ये थ्री का है और ये माजिद का है. माजिद क्या कह रहा है कि जी वो एक्सपेक्ट यू टू मेक, जो उसका बॉस है, कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, नहीं सॉरी ये माजिद का नहीं हो सकता, ये सलमान का हो सकता है, आप जो है वो स्पीच करें. तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है लेकिन सर मुझे बहुत ज्यादा स्पीच का शौक नहीं है. ठीक हो गया, ये है जी माजिद का. ठीक है जी, सो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा. सो इस तरह हम लाइक्स और डिसलाइक्स को देख सकते हैं. नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जो है अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें करेंगे लेक्चर में, जो कि थोड़ा फ्रूट से रिलेटेड जो हमें एक ओवरव्यू नजर आ रहा है. आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. अच्छी लगी तो थम्स अप दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा. जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाले डेली के लेक्चर्स आपको टाइम पे मिल सके. मुझको दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. अल्लाह हाफिज़.